छः महीने की, जैसे सरकार यहाँ बैठ जाती छः महीने के लिए वहाँ बैठती, तो कुछ जैसे ऑफिस खुल जाते, कोई जैसे साहब लोग कोई भी बैठ जाते, तो किसी की फैमिली आ जाती, उसकी वजह से हमें स्कूलें खुल जाती। 5 साल हम आंदोलन में भी रहे हैं, क्योंकि हम आज में तो चलो छोटा बच्चा था, लेकिन उसमें क्या ही महिलाओं को जेल भी हुई थी, उसके बाद ये घोषणा हुई थी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी पर उस पर ज़्यादा प्रेशर उसके बाद पड़ा था। सरकार से उन्होंने हॉस्पिटल के लिए यहाँ वो किया था, सड़कों के लिए किया था, तो शायद वो और कुछ दिन रहते अपने कार्यकाल पर तो ज़रूर कुछ करते सर। जेल में गया आंदोलनकारी थम 5 साल तक हम तो बहुत वो कर थो तारीखो पर गाया कनफरिया गाया चौखटिया गाया गेरथेण गाया और कुरसैड भी जाया बोबा देर तक क्या करा जेल भी रहे। हाँ कितने टाइम रहे? 5 दिन। 5 दिन जेल भी रहे। तो आप हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो है कि वो राजधानी जो है घोषित के, चाहे जो भी ग्रीष्मकालीन हो चाहे कुछ हो, लेकिन एक चीज कोई फिक्स कर दो। कभी सीला पाखोरी तू कभी तैला घाम घास नीच ये रू लागाओ माँ कभी सीला पाखोरी तू कभी तैला घाम। नमस्कार। ये गीत जो अभी हमने सुना ये पहाड़ की हर उस महिला का गीत है जो घास के लिए इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाती है और सबसे ज़्यादा टाइम शायद वहीं देती है। तो एक बार ज़ोरदार ताली अपने लिए ही बजा दीजिए, आप लोगों ने इतना बढ़िया गीत गाया। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन रावत और आप देख रहे हैं तीरंदाज लाइव। मैं इस समय गैरसैंड में हूं और गैरसैंड का नाम जिस गैर गांव से पड़ा आज मैं वहां पर हूं और यहां हमारे साथ बहुत सारी माताएँ बहनें हैं। हम इनसे बात करेंगे दो चीज़ों पर खासकर। एक, जो अभी हाल में एक नया कानून इस देश में बना है महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व तो ज़्यादा से ज़्यादा देने का, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट योजना है, घसियारी कल्याण योजना। ये महीना है, इस महीने में आपने देखा होगा महिलाएं घास लाती हैं, उसके बाद उस घास को पेड़ों पर, जिसको अलग अलग जगह अलग अलग कहा जाता है, कहीं सूला लगाना कहा जाता है, कहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है? हम लगाना कहा जाता है। तो ये सारा काम इस समय होता है, तो हमें लगा कि जब हम यहाँ आए हैं तो इस मुद्दे पर ज़रूर बात करें और इनकी जो चुनौतियाँ हैं यहाँ पर, सरकारी योजनाओं का कितना लाभ इनको मिला है, क्या ये सोचते हैं, क्या इनकी सोच है। और मुझे एक बात और पता लगी है कि आप लोगों को पिछले किसान मेले में प्रथम पुरस्कार मिला था, तो उसके लिए भी आप लोग बधाई की बात रहे, एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियाँ बजा दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? दीपक। तो दीपा जी, पहले तो ये बताइए कि आमतौर पर क्या होता है कि जब आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि जैसी शादी करके महिला आती है उसे लगता है कि नहीं, मुझे भी अब जाना चाहिए प्लेन्स में, आपका कभी मन नहीं हुआ? नहीं सर, हम ऐसी जगह पे है यहाँ से किसी का जाने का मन नहीं करता है, बहुत रमणीय स्थान है, जो यहाँ आ जाता है वो यहीं का होके रह जाता है। बिल्कुल, ये बात जो दीपा जी ने कही कि बहुत ही रमणीय स्थान है, जो यहाँ एक बार आ जाता है वो यहीं का हो जाता है। सब कुछ शहरों में नहीं है, बहुत कुछ है पहाड़ों में, किया जा सकता है और ये महिलाएं करके भी दिखा रहे हैं, इसीलिए हम ये आज कहानी इनसे कह रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप लोगों की दिनचर्या क्या है? सर, दिनचर्या तो हम यही है कि सुबह उठे अपना घर का जो काम होता है वो होता है, हमारी सास जी हैं, जेठानी जी हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, एक साथ रहते हैं, तो हम में काम बटा होता है, कोई कुछ कर लेता है कोई कुछ कर लेता है। उसके बाद अपने बच्चों का नाश्ता वास्ता बनाए, बर्तन वर्तन धोए, इसके बाद घास काटने चले गए, उसके बाद फिर यही है शाम को, फिर यही दिनचर्या है बस परिवार के साथ आपस में मिलजुल। एक सवाल पूछूं, अपने लिए कितना टाइम दे पाती हैं? फिलहाल सर अपने लिए ये है, हम गांव में रहते हैं तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सर यहाँ, अब तो साथ ही में एक दूसरे के साथ बोल के हंस के ऐसी टाइम बीत जाता है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं खासकर महिलाओं से रिलेटेड, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो या अभी जैसे घसारी कल्याण योजना, जो हम राज्य की बात कर रहे हैं वो योजना हो, हर घर नल हर घर जल वाली योजना हो, कितना फ़ायदा आप लोगों तक पहुंचा है आप बताएंगे? अपना नाम ज़रूर बताइएगा। सर नमस्कार, पहले ही मेरा नाम है सुनीता गौर। योजनाएं फ़ायदा तो पहुंचा ही है सर, पहले तो गांव की समस्या है सर, मतलब गांव में यहाँ पानी की थोड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ का सारा जो पानी है सारा मतलब नीचे जो बाज़ार में है वहाँ मतलब वहीं हो गया है ट्रांसफ़र,
और गांव में पानी मेन पानी है और रोड है, मेन जो आजकल रोड चाहिए, रोड की यहाँ बिल्कुल वो नहीं है। मेन रोड चाहिए मतलब कि नीचे से चाहे घर घर मतलब घर का कितना सामान हो, गैस सिलेंडर हो, मेन जो आजकल चाहिए खाना खाना बनाने के लिए, और कितने पैसे दे के मतलब ढोलान बहुत होती है यहाँ। और मेन मतलब रोड की समस्या है ना, मेन में ऐसे कि मतलब रोड चाहिए और रोड की समस्या। एक सवाल मेरा आपसे, मैं आपसे पूछूंगा, हमने नहर घल जल योजना की बात कर ली, हमने घसियारी कल्याण योजना पर भी अभी बात करेंगे, आप लोग कैसे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं या आप तक फ़ायदा पहुंचा है नहीं पहुंचा है। मुझे एक बार बताइए कि जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया तब आप लोगों को कैसा लगा, तब आप लोगों को ये मन में आया होगा ना कि यार अब ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई है, पहाड़ की जो कहते हैं ना कि जो पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन था उसमें गैरसैंण एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और अब जब आप सामने विधानसभा भवन देखते हैं, रोज़ आपकी नज़र उस भवन पर पड़ती है, तो क्या सोचते हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको आगे, आप बताएंगी? जी सर, सर नमस्कार, पहले तो मैं दीक्षा बरमोला। सर विधानसभा वो तो ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, पर हमें सुविधाएँ मतलब उपलब्ध, सबसे पहले तो यहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं है हमारे गाँव में, पानी के लिए बहुत भटकना पड़ा है, गाय भैंस वैसी रह जाती है सर, बाकी तो सब समस्या वैसे। तो एक योजना यहाँ पर एक झील बन रही थी जो इस क्षेत्र के पानी की समस्या को दूर करने के लिए हुई थी, जहाँ तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में उसकी घोषणा हुई थी, उस पर काम भी हुआ था, तो क्या अभी क्या स्थिति है उसकी? सर उसके बारे में तो अभी उतना वो कुछ नहीं बोल तो रहे थे, पर अभी यहाँ तक कोई उसकी वो नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई। नहीं सर जी। और जो ये जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की सप्लाई की बात हो रही है उसमें कुछ हुआ है? सर यहाँ तो नहीं हुआ जल जीवन मिशन का, यहाँ तो नहीं है, और कोई अन्य गांव में, पर यहाँ नहीं है उसका। अच्छा, और ऐसी क्या समस्या है जो आप लोगों को लगता है कि हमारे लिए सबसे, एक तो आपने सड़क की बात कही क्योंकि सड़क से आपका गांव ऊपर है। हाँ एक मिनट जी, आप बताइए। सबसे पहले मेरा प्रणाम, मैं हूँ अनीता गौड़। और सर जैसे अभी सरकार की उस टाइम पे जैसे हॉस्पिटल है की बिल्डिंग बनी थी तो उसके लिए काफ़ी करोड़ों रुपये आए थे, बिल्डिंगें तो बन गई लेकिन हमें जो है डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। जैसे हमें कोई सभी मतलब किसी के सर दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी के हाथ पांव कोई फ्रैक्चर हो या ना हो, यहाँ से हम वो कह दें एक्सरे करवा दें, यहाँ कह दें फ्रैक्चर हो, यहाँ से हम श्रीनगर जा दें, श्रीनगर कह दें कि यहाँ पर हाथ पाँव ठीक है, तो हमें इस चीज़ की बहुत दिक्कत हो रही है। और हमें इस चीज़ की हमें सबसे पहली है कि बिल्डिंग जैसे कह दें कि अभी कि भराड़ीसैंण में जो है राजधानी घोषित हुई और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो रही है, लेकिन वो 6 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई और अभी तक धामी सरकार के टाइम से जैसे 2 दिन का सत्र हो रहा, 2 दिन के बाद फिर वैसे ही उठ के चले जा रहे हैं। लेकिन हमें ये लगा जब से मतलब वो त्रिवेंद्र सरकार जी धाम सीएम से हटे तो उसके बाद धामी सरकार 2 दिन आने के बाद क्या करें उस सत्र का, जब कोई बैठ ही नहीं रहा, उस वो बिल्डिंग खाली वैसे ही पड़ी है, पैसे खाली वेस्ट जा रहे हैं। अगर कोई बैठता तो हमें भी किसी चीज़ की सुविधा होती, कोई भी चीज़ बना दे हम यहाँ से हमें देहरादून जाना पड़ रहा है। जैसे अभी हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, कोई बच्चे की किसी की तबीयत खराब हो रही तो हमें यहाँ से सीधे गाड़ी बुक करवा के, चलो पैसे किसी के पास हों भी लेकिन ज़िंदगी थोड़ी दे सकता कोई भी, ज़िंदगी नहीं है यहाँ से रास्ते में जाने जाने तक, किसी कोई डिलीवरी वाली कोई महिला हो, किसी बच्चे की कोई आ सकता, कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता है, इसीलिए हमें यह डॉक्टर की सुविधा चाहिए। और हमें जैसे धामी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो है कि वो राजधानी जो है घोषित के, चाहे जो भी ग्रीष्मकालीन हो चाहे कुछ हो, लेकिन एक चीज़ कोई फिक्स कर दो, बस ये नहीं है कि सारी जनता को जो है बेवकूफ़ मत बनाओ, 2 दिन का सत्र लगा खाली पैसे उसी में वेस्ट जा रहे हैं कि और टाइम देने के लिए जैसे रास्ता बन रहा, पानी की लाइनें बन रही, उस समय कह रहे कि बजट नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, लेकिन इसके लिए कहाँ से पैसे आ रहे, जो इस सत्र में फालतू का खर्चा हो रहा उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए भी बस हमें यही कहना चाहते हैं, हमें हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरों की सुविधा चाहिए और जो है राजधानी जो चीज़ है वो एक चीज़ फिक्स कर दो। इनका कहने का मतलब है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो जो सत्र है वो यहाँ पर लंबा चलेगा, तो उससे ये होगा कि यहाँ पर अधिकारी बैठेंगे और सारी चीज़ें भी होंगी, तो उससे क्या होगा कि इनकी जो परेशानियाँ उन तक, क्योंकि ये बात सही है कि देहरादून दूर है, अगर यहाँ अधिकारी बैठेंगे तो ये लोग यहाँ उनको अपनी समस्याएँ बता सकेंगे। सत्र छोटा होता है तो वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना औपचारिकता भर रह जाता है। ये तो हुई बात कि हेल्थ, वाकई पहाड़ों में जो सेहत का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि वो सिर्फ रेफर सेंटर बन जाते हैं, हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो वहाँ उपकरण नहीं है, तो ये एक बड़ी चुनौती तो है ही। उसके अलावा आप लोग किसी तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं, कुछ करते हैं, कौन बताएगा, आप बताएंगे, आपका क्या नाम है? प्रणाम, मैं रजनी गौड़, मैं हम महिला मंगल से दल से जुड़े हैं, अभी हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ महिला मंगल दल में, हाँ एक समूह से भी जुड़े हैं हम। तो उसमें क्या करते हैं? अभी हम शुल्क जमा करते हैं उसमें,
फायदा कुछ नहीं हुआ। तो उसमें उसके तहत ये भी तो होता होगा ना, कुछ चीजें बना रहे होंगे आप लोग, कुछ अपना कुछ बनाते हैं कुछ आर्ट? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और जो कृषि मेले में जाते हैं तो उसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? जोर से बोलिएगा, नाम बताइए। यशोदा जी बताइए। हम अपने मेले में जाते हैं, वहाँ अपना कृषि विभाग दिखाते हैं वहाँ। जी, तो आप क्या क्या दिखाते हैं वहाँ, यहाँ से क्या क्या दिखाते हैं? यहाँ से क्या जो होती, ककड़ी होती, लौकी होती, कद्दू होता, केले होते, अपने घर की चीज, दाल भात गोद, ये सब दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं। अभी केंद्र सरकार का बहुत फोकस है मोटे अनाज पर, जो हमारे पहाड़ का अनाज है ना, जैसे झंगरा हो गया, रागी हो गया, या जितना भी हमारा ये पहाड़ का है, मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, उस पर बहुत फोकस है। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि हम इसको कुछ अपने सहायता समूह से मिलके इस पर कुछ करें? सर, पहले तो ये था ना, गांव में महिला मंगल दलों का रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन जब से यहाँ नगर पंचायत बनी तो तब से ये बोल दिया गया कि नगर पंचायत में महिला मंगल दलों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो हम लोगों का सर नया महिला मंगल दल का गठन हुआ है, 2018 में कर दिया था, 5 साल हो गए हमारे। तो सर ये है कि हमारे महिला मंगल दल में हम महीने का 20 रुपये जमा करते हैं शुल्क, तो उससे यह है कि कुछ ज़्यादा वो नहीं हो पाता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं सर। यही है कि आय की समस्या है। आप लोगों को भी लगता है कि अगर हमारा समूह को हम थोड़ा काम करते तो हमें कुछ एक्स्ट्रा आय हो जाती है अपने लिए ना? ठीक है, तो बेसिकली आप लोग कृषि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं को आप अपने किसान मेले में ले जाते हैं। आप लोगों ने कई सारी पीढ़ियाँ देख ली हैं, अब 2-3 पीढ़ियाँ आपने देख ली है, तो जब आपने सब कुछ देखा, उत्तराखंड आंदोलन भी देखा, आज देखते हैं, कितना फ़र्क लगता है अब, और क्या ऐसा लगता है कि क्या क्या और होना चाहिए? सर प्रणाम, मेरा नाम दीपा गौड़ है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है, तो वैसी फैसिलिटियाँ अभी तक नहीं हो पाई हैं गैरसैंण में। हम अपने गैरसैंण में काफ़ी सारे संसाधन या ऐसे वो चाहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल बनाए तो वहाँ पर कोई मशीनें नहीं हैं, तो इसलिए भी दिक्कत हो रही है, इसलिए कई लोग पीछे हो जा रहे हैं, डॉक्टर यहाँ आने कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। और फिर गांव में ये जल की समस्या ऐसी है कि कोई दुग्ध उत्पादन करना चाह रहा है तो पानी नहीं है, सब्जी उत्पादन करना चाह रहा है तो पानी नहीं है। यही हमारा गैरसैंण कुछ पिछड़ा जैसा रह गया है। वैसे तो ग्रीष्मकालीन नाम से तो बहुत आगे गैरसैंण नाम फेमस हुआ, पर ऐसी सुविधाएँ नहीं हो पाई है। धन्यवाद। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से उनका कहना है कि नाम तो बहुत हुआ लेकिन जो काम धरातल पे दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो जब इस घोषणा हुई थी इस राजधानी, इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की, तो उसमें कई सारी घोषणाएं यहाँ से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनकी भी हुई थी, तो उस पर आपको क्या कहना है कि वो पहुँची हैं नहीं पहुँची हैं? उनमें से कोई एक ऐसी चीज़, पानी आपने बताया, सेहत आपने हेल्थ का जैसे इशू उठाया, उसके अलावा आपने कहा कि हमें और एजुकेशन के मामले में तो यहाँ स्थिति पहले से ठीक है। सर एजुकेशन के बारे में तो हमारे यहाँ कॉलेज के लिए भी वहाँ दूर जाना पड़ता है, पहले तो यहाँ था पर यहाँ नहीं हो पाए। एजुकेशन के लिए हम बाहरी, मतलब वैसे ये बोर्ड के बाहरी जाते, मतलब एजुकेशन के लिए स्कूलें तो बहुत खुली है पर यहाँ कोई टीचर वगैरह ढंग के नहीं है, इसलिए मतलब हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है ज़्यादातर। सर बस बच्चों के लिए हो रहा, मतलब जैसे इंटर के बाद तो हमको बाहरी जाना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। सर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई थी तो उसके खेत बो रहे हैं? नमस्ते। खेत बो रहे हैं, मेहनत पूरी करते, पर जो पशु छोड़ने वाले पशु है उन्होंने हमारा खेत का पूरा बर्बाद कर दिया है। रात दिन भी इकट्ठा कर रहे हैं मेहनत के लिए, फिर लास्ट में कुछ नहीं फायदा है हमें। जी आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जब राजधानी की अनाउंसमेंट हो गई थी उसके बाद कुछ घोषणाएं हुई लेकिन जिस तरह से उन पर काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ और अब थोड़ा सा ध्यान कम दिया जा रहा है, ऐसा लगता है आप लोगों को? आपको लगता है ऐसा? हाँ। क्या लगता है? ध्यान देना पड़ता है ऐसे चीज़ों में कि जैसे हम मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में, हमको लगा हुआ कि हम लगन से अपने काम धंधे कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ उन्नति होगी, कुछ लाभ होगा, तब हम मेहनत करते। इससे हम इस समय हम रात दिन इकट्ठा कर रहे, बाद में हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हमें बहुत परेशानी हो रही, शासन व्यवस्था कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम कितने दिन ब्लॉक में गए, कितने दिन तहसील में गए, कोई हमारे बात सुनी नहीं रहा, उनको रहने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस मुद्दे पर? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? आप और कोई बोलना चाहेगा इस बात पर? यही सवाल कि जब राजधानी की घोषणा हो गई उसके बाद जिस तरह से काम होना चाहिए था यहाँ पे, जो योजनाएं हैं उन पर कितना काम हुआ है? अभी जैसे अब चुनाव भी आ रहे हैं, है ना, और अब महिलाओं का
ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में महिलाएं डिसाइडर होती हैं, कोई भी चुनाव आता है तो उसमें महिलाएं डिसाइडर होती हैं, तो आप लोगों को लगता है कि हमारे मुद्दे अगर नहीं होंगे तो हम उसमें फिर सोचेंगे, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है काम सही हो रहा है, धीरे धीरे और चीज़ें होंगी, इस तरह से कोई बताना चाहेगा? वैसे काम तो कुछ नहीं हो रहा है, तब से जैसे ये है कि ग्रीष्म काले राजधानी बन रखी है तो घोषित हो रखी है सिर्फ, उसके बाद काम कुछ हो नहीं रहा है। ये तो है कि चलो हमें राजधानी हो जाती है, अगर घोषित हो जाए जैसे कुछ 6 महीने की, जैसे सरकार यहाँ बैठ जाती 6 महीने के लिए वहाँ बैठती तो कुछ जैसे ऑफिस खुल जाते, कोई जैसे साहब लोग कोई भी बैठ जाते तो किसी की फैमिली आ जाती, उसकी वजह से हमें स्कूलें खुल जाती, बच्चों को हमें बाहर नहीं ले जाना पड़ता, फिर डॉक्टरों की भी सुविधा होती। अब जो भी खाली घोषित हो रखी है, सारा विभाग तो वहीं बैठे हैं, अब जो भी कहता है भाई हमने सारे काम के लिए वहीं जाना है तो सारे बच्चे बुच्चे सबके वहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हमें यह है कि स्कूल की दिक्कतें भी हो रही है बच्चों को, फिर इंटर के बाद तो हमें जाना ही जाना पड़ रहा है। लोग को जैसे अपने कृषि है, कृषि की वजह से किसी का ये कि भाई हमारे खेत छूट रही है छूट रही, लेकिन बच्चों का भी तो भविष्य बर्बाद हो रहा है इसमें, खेती का भी फिर क्या करेंगे। अब जैसे अभी है कि बच्चों को आगे तो लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो हम ये सोचते जैसे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो जाती तो चलो 6 महीने के लिए सरकार बैठ जाती तो कुछ फायदा होता हमें भी। तो कभी आप लोगों ने मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके सामने कोशिश नहीं की अपनी बात रखने की? जी सर वो मिलते नहीं, कहाँ मिलते, 2 दिन के सत्र में वो खुद ही भाग जाते हैं, अंदर अंदर घपला करके वो खुद ही भाग जाए, हम जाएँ कहाँ उनके साथ जी। अच्छा मेरा एक बताता, हेलीकॉप्टर में उड़ के चले जाते, हम कहाँ मिले उनके साथ, गए थे हम 2-3 बार तो गए थे। वैसे जैसे जब राजधानी घोषित हुई थी ग्रीष्मकालीन तो हम उसमें आंदोलनकारी भी रहे हैं, हम उसमें थे क्योंकि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी की वजह से बहुत आंदोलन भी झेले हैं, 5 साल हम आंदोलन में भी रहे हैं, क्योंकि हम आज मेरा तो चलो छोटा बच्चा था, लेकिन उसमें क्या ही महिलाओं को जेल भी हुई थी, उसके बाद ये घोषणा हुई थी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी पर उस पर ज़्यादा प्रेशर उसके बाद पड़ा था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होगी, तो जो त्रिवेंद्र सरकार जी के टाइम पर हुआ था ये, जैसे उन्होंने बहुत मतलब कोशिश की थी तो उसमें आंदोलनकारी रहे थे हम, तो चलो उसमें हमारी है कि अच्छा है हमारे को हम आंदोलनकारी थे लेकिन हमने अपने लिए नहीं लड़ा था, जनता के लिए होगा वो राजधानी होगी तो सबके लिए होगी, एक व्यक्ति का जो 20-25 या 50 महिलाएं थी उनके लिए तो नहीं होगा, वो होगा वो सभी के लिए, लेकिन फायदा सबको मिलता होता तो फायदा सभी को था, ऑफिस खुलता हमें यहाँ से वहाँ जाने का, अब कितना खर्चा लगेगा यहाँ से वहाँ जाने तक, अब किसके पास न हो कोई साइन करवाने के, यहाँ से हमें मुख्यमंत्री जी से वहाँ मिलना जाना पड़ता, फिर यहाँ मिलने को तब तक वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हमारे भड़ेदारी से जाने जाने तक, तब उड़ के हम क्या करें वहाँ जाके। बिल्कुल ये आपने से अच्छा एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपको लगता है कि जैसे जिनके टाइम पे इस घोषणा का ऐलान हुआ, अगर उनको कुछ और टाइम मिल जाता तो शायद आपके यहाँ कुछ बेहतर सुविधाएँ हो जाती? जो मेरा सवाल ये है कि जैसे जिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी के टाइम पर इस ग्रीष्मकालीन राजधानी का ऐलान हुआ और जब नोटिफिकेशन उसका कुछ समय बाद वो हट गए, आपको लगता है ऐसा कि अगर वो थोड़ा टाइम और मिला होता उनको तो शायद यहाँ स्थितियाँ और बेहतर हो सकती? जी सर हाँ, अगर थोड़ा टाइम और मिला होता उनको तो शायद मतलब हम भी उनसे मतलब बात करके अपनी समस्याएँ बताते तो शायद कुछ हो पाता था, लेकिन नहीं मतलब तब से वो हट गई तो ऐसा है कि तब। जी सर आपका आप क्या कहेंगे? सर जिस प्रकार से उन्होंने हॉस्पिटल के लिए यहाँ वो किया था, सड़कों के लिए किया था, तो शायद वो और कुछ दिन रहते अपने कार्यकाल पे तो जरूर कुछ करते सर। आप कुछ कहेंगी? आप में से कोई ऐसा है जी जो जो अभी जिक्र कर रही थी कि आंदोलन किया राजधानी के लिए, उसमें से कोई है ऐसा जो उस आंदोलन में था? अरे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकला जी। थोड़ा सा अपने वो आंदोलन की थोड़ा बताइए कैसा रहा, क्या किया आपने? क्या बोलोन में बता दे ना तुम हो गए वो गया था हम कुरसेड़गा जेल में जी, ओ जेल में गया आंदोलनकारी था हम 5 साल तक, हम तो बहुत वो कर थो जी, तारीखों पर गया जी, कनफरिया गया, चोखटिया गया, गेरथेण गया जी, और कुरसेड भी जाया बुआ देर तक, क्या करो जेल भी रहे? हाँ कितने टाइम रहे? 5 दिन। 5 दिन जेल भी रहे। तो आपको कुछ उसका लाभ मिला बाद में? कुछ नहीं मिला भी। अच्छा। कुछ नहीं मिला जी। बस ये तो बुरे आदमी उनमें गो जेल बुआ क्या कर रहे जी। तो आपने देखा उन्होंने कहा कि मैं आंदोलनकारी रही लेकिन जेल में भी रही लेकिन मुझे भी इसका लाभ नहीं पहुंचा, तो ये वाकई ये एक बड़ा सवाल भी है और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर डेवलपमेंट होता है तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जेल गो सतर थाले बुढ़े जी आदमी का चेतने चोर राजधानी पछम के लिए गो ना अपन लिए थोड़ी गो है ना जी।
पांच दिन जेल में भी रहे हो, गाय बैठे छोड़ कर घर कुड़ी छोड़ कर। तो आपको ये नहीं लगता है कि आप इतनी उम्र में आपने इस तरह से आंदोलन किया, आपको जेल भी जाना पड़ा हो, और उसके बाद जब आप राजधानी चलिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हो गई, वो बात दुनिया भल हो, दुनिया के लिए भला है ना, नाम तो चले गया कहीं कहीं जी। देखिए वो उनका उनका सेटिस्फेक्शन देखिए, जेल जान में अच्छा वो आंदोलनकारी थे जी, तो वो कह रही हैं कि और लोगों ने आंदोलन भी किया, मैं 70 साल की उम्र में जेल गई, लेकिन उनका ये कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बाद से यहाँ का नाम बाहर गया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और ये शायद पहाड़ के लोगों की सिंप्लिसिटी भी है, और उनका एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी देखिए ना, कि उनको तमाम सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि हमारे क्षेत्र के साथ अब राजधानी शब्द जुड़ गया है। तो तीरंदाज लाइव पर कुछ ऐसी ही स्टोरियाँ, ऐसी कहानियाँ और दिखाएंगे। इस गांव में आने का एक ख़ास मकसद था, क्योंकि इस गांव का इतिहास गैरसैंड से जुड़ा है, गैर गांव के नाम पर ही गैरसैंड पड़ा, और ये अटल आदर्श ग्राम भी है। तो बस ऐसी कुछ स्टोरियाँ देखते रहिए हमारे साथ, हम आपको पहाड़ों में ऐसी ही कहानियाँ दिखाते रहेंगे।